हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल टेक्नो राजस्थान एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक और गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ, जिसकी जॉब लोकेशन आपकी राजस्थान में रहने वाली है। और दोस्तों, इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, ऑनलाइन फॉर्म्स भी इसके स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके अंदर आपके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है जो 12,000 से भी ज़्यादा पोस्ट इसके अंदर रहने वाली है। और वैकेंसी आपकी है LDC, यानी जो लिपिक क्लर्क की ये वैकेंसी है। तो हम देख लेते हैं डिटेल्स के साथ इस वैकेंसी के बारे में, फुल नोटिफिकेशन के साथ, कि कौन कौन से बैंक इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें अपने राजस्थान के बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, तो काफी सारे बैंक हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और दोस्तों, आप में जो भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस वैकेंसी का, जो IBPS है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जो IBPS ने नोटिफिकेशन जो जारी कर दिया है 12,000 से ज्यादा वैकेंसीज का 2020-21 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म्स भी इसके स्टार्ट हो चुका है। एंड जो पार्टिसिपेट बैंक है इसके अंदर, आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो इन सभी बैंक्स का आप नाम देख सकते हैं। तो ये सभी बैंक अपने राजस्थान के अंदर भी है, और राजस्थान के अंदर कितनी सीटें हैं 12,000 में से, वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो 17 सितंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और अप्लाई करने की लास्ट डेट आपकी 9 अक्टूबर 2019 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो प्री और मेंस दो एग्ज़ाम हो गए इसके अंदर, ठीक है। तो इसका जो प्री एग्ज़ाम रहेगा आपका 7 दिसंबर और 8 दिसंबर, तो दिसंबर के अंदर इसका प्री एग्ज़ाम रहेगा। मेन एग्ज़ाम है आपका जो 19 जनवरी को रहेगा। एंड जो आपकी प्रोविजनल अलॉटमेंट है 2020 तक आपकी जो ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, ठीक है। तो IBPS का ये सिस्टम बढ़िया रहता है कि इसमें जो पहले से सब फिक्स रहता है कि इस दिन आपका एग्ज़ाम है, इस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि इसके अंदर आपके पास जो ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी स्नातक अभ्यर्थी है, चाहे BA, BTEC, BCOM कुछ भी कर रखा हो, ग्रेजुएशन आपके पास है तो आप इस क्लर्क वाली वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट इसमें न्यूनतम 20 वर्ष है और अधिकतम इसमें 28 वर्ष है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी ये कैटेगरी वाइज इसमें छूट मिलेगी आपको। और टोटल वैकेंसीज आप यहाँ पर देख सकते हैं 12,000 है, ठीक है। तो एक बार इस फुल नोटिफिकेशन को आप सभी पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है दोस्तों। तो ये नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा, जिसमें 12,000 से ज़्यादा वैकेंसीज IBPS ने निकाल दी है। दिसंबर के अंदर इसका प्री एग्ज़ाम रहेगा, और जो रिजल्ट भी आपका दिसंबर के अंदर ही आ जाएगा। फिर जनवरी के अंदर इसका मेन एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है। और आपका जो सिलेबस वही बैंकिंग वाला है, जिसमें प्री एग्ज़ाम के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, ये आपकी आने वाली है। एंड जो मेन एग्ज़ाम के अंदर जो आपका कंप्यूटर एंड जो जनरल अवेयरनेस एंड जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है, वो इसमें एड हो जाएगी, ठीक है। तो ये वही IBPS का पैटर्न रहेगा जो हमेशा रहता है, वही इसमें एग्ज़ाम पैटर्न है आपका, ठीक है। तो ये आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा दोस्तों एक बार। और इसकी फ़ीस आपकी जो SC ST वाले हैं उनके लिए 100 रुपये है, एंड जो जनरल जनरल OBC वाले हैं उनके लिए 500 रुपये है, ठीक है। तो IBPS की ऑफिशियल साइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी दोस्तों, जो जनरल वाले हैं उनके लिए जो GST मिलाकर 600 रुपये कर दिए गए हैं, एंड जो SC ST एंड जो PWD वाले हैं उनके लिए 100 रुपये है, ठीक है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सभी ग्रेजुएशन वाले। और अपन देख लेते हैं जो राजस्थान के अंदर कितनी क्या सीट है, जो टोटल सीट कितनी है आपकी। तो आप देख सकते हैं इन बैंकों के अंदर ये वैकेंसी निकल रखी है, तो आप देख सकते हैं। तो आप अपने स्टेट के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं किस स्टेट के अंदर कितनी क्या सीट है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी टोटल वैकेंसीज है जिसमें अलग अलग स्टेट की बता रखी है, और एक स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे UP, बिहार, MP, जो भी आपका स्टेट है। तो मैं अपने राजस्थान वालों को बता देता हूँ कि आपकी कितनी क्या सीट है इसके अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान स्टेट का अपने पास डाटा आ चुका है, जिसके अंदर राजस्थान के अंदर टोटल जो सीट है आपकी 325 से भी ज़्यादा सीट है। जो 12,000 वैकेंसी निकली है ऑल ओवर इंडिया की, जिसमें राजस्थान की 325 सीटें हैं, जिसमें आप बैंक देख सकते हैं कनाडा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, तो ये सभी बैंक इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है। और कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं किस कैटेगरी की कितनी क्या पोस्ट है। तो फुल नोटिफिकेशन एक बार आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है। और
ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा IBPS की वेबसाइट पर और हमारी technoRajasthan.com की वेबसाइट पर भी आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, 17 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की 9 अक्टूबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें ऑल ओवर इंडिया की 12,000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं एंड जो राजस्थान के अंदर 325। तो ये क्लर्क की है, जो LDC के सिमिलर ही पोस्ट रहती है, क्लर्क की लिपिक की ये वैकेंसी है, जो सभी स्नातक वाले इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये जानकारी देनी थी क्योंकि राजस्थान के अंदर भी इसमें 325 वैकेंसी है। तो अगर आप राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो इस वैकेंसी का फॉर्म भर के अच्छे से तैयारी करके एंड जो फिक्स टाइम पर आप नौकरी लग सकते हो, क्योंकि IBPS के अंदर सब फिक्स रहता है कि इस टाइम तक आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, एंड पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच।